नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशन के दांडिली दैनिक समाचार पर स्वागत करती हूं। आज तारीख है 6 सितंबर, वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं दिशा। दांडिली PWD विभाग के इंजीनियर ने 2 तारीख को हमसे बात करते हुए बताया था कि गणेश चतुर्थी से पहले उनके दायरे में आने वाले रास्ते के सभी खड्डे भर दिए जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त मेरे साथ आपका शुभ नाम परशुराम है। परशुराम जी है, आप PWD के सुपरवाइजर है। तो अभी आप ये क्या कर रहे हो रास्ते पर? पेट्रोल फंडे भर रहे, खड्डे भर रहे। आप वहाँ से पीछे से भरते आ रहे हो? कहाँ से भरते आ रहे हो? बैलपार से क्या? बैलपार से भरते हुए, ब्रिज के ऊपर से भरते हुए, अभी आप शिव मंदिर के सामने से भरते हुए कहाँ तक भरेंगे आप खड्डे? बर्ची तक जाएंगे। बर्ची यानी ये शिव मंदिर होने के बाद सीधा चौधरी गेट है, अम्बेवाड़ी और बर्ची तक का पूरा खड्डा भर देंगे आप? एकदम अच्छा से भर देंगे? अच्छा से भर देंगे। दबा दबा के भरेंगे? लोगों को तकलीफ नहीं होगा? नहीं होगा। PWD के इंजीनियर ने बताया था कि गणपति से पहले हम इन खड्डों को भर देंगे सर। तो वो जो आप जुबान दिए थे, जो वादा किया था, वो निभा रहे हैं। उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। आप जो बताए वो काम कर रहे हो, भर रहे। दांडिली बस स्टैंड के समीप स्थित गणपति देवस्थान में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना व शिखर कलश स्थापना की गई। अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पड़लो आता संकट निवारी। जय देवी महिषासुर मर्दिनी, दुर्वरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी त्रिभुवन भुवनी पहाता तुदायती नामी। चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही, काही विवाद करिता पड़ले प्रवाही। हे तो भक्ता लागे पावक लवलाहि, जय देवी महिषासुर मर्दिनी, दुर्वरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निजदाता, लेसा पातुनि सोडी तोड़ी भव पाचा। अम्बे सुधवातूनि कोडपुर विलासा, नरहर तल्लीन धाला पद पंकज लेचा। जय देवी महिषासुर मर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी नमः। त्वमेव माता पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या दृढ़न्तमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा, करोमि यद्यस्यकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनाथं।
नमस्ते रुद्ररूपाय करुणरूपाय ते नमः श्रीविघ्नविनायकाय नमः नमस्कारं भजामि अभिस्कार दिव्यदम्भूतोय सदाप्रयेः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः श्रीसिद्धिविनायकाय नमः सङ्गीतं नृत्यं नाट्यन्दर्पणम् आन्दोलनमिदनं सर्वराजोपचारार्थे अक्षरा समर्पयामि अतः प्रार्थना आवाहनं नजानामि ददानामि कृपार्जुनम् पूजां च जानामि क्षम्यतां परमेश्वर दांडेली नगर सभा से हमने वीडियो के द्वारा कई बार बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं को जो घातक स्थितियों में है उन्हें कट करने का आग्रह किया था। यह आग्रह आज दांडेली एग्रीकल्चर सोसाइटी के कर्मचारियों ने भी किया। नगर सभा से निवेदन है, कृपया इस पर ध्यान दें। नमस्कार, इस वक्त मैं दांडेली अप्पा एग्रीकल्चर सोसाइटी इसके सामने खड़ा हूँ। यहाँ कुछ महानुभाव है जो इसी सोसाइटी में काम करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा वामन नारायण मिराशी। वामन नारायण मिराशी। आपका सर? कृष्णा पुजारी। और आपका? मारुति लक्ष्मण कामरेकर। अर्जुन यल्लप्पा नायक। ये लोगों ने विशेष यहाँ पे बुलाया है, सुनते हैं इनको क्या तकलीफ है और ये क्या चाहते हैं। कन्नड़ा बोल दीजिए, आपको जो भाषा सही लगती वो बोलिए। गौरी गणेश हब्बद प्रथम रईत बांधवे ना शुभाश है बैस्ते इले परीवर न्यूस नानु साकु बारी केदेने न्यूस प्रसार आ दांडेली विविध अभिवृद्धि कार्य वेगगतली बरता नानु नोड़ता महानुभवर ना विनतीमकोदेन टी वि मुखातर नम दांडलीप सहकार संघ दौड़ मरवे नागे अरण्य इलाके संबंधप मुनिसपालिटी गिड टी कड़ी अंत ना रिक्वेस्ट लेटर कल्सदेवे इनूट केस आगे नम संघ एदे रेशन अंगड़ी सुमार 1500 अदे रेशन बड़ो जनर तदन नम संघ के 2000 संघ सदस्यर अंदरू आरंभ दयमी हिंदे सह टे बिंदी मुखातर संबंधप इलाके अधिकारी विन क्या बोलना चाहेंगे आप? दांडेलीप्पा सोसाइटी के डायरेक्टर है। दांडेलीप्पा सोसाइटी के डायरेक्टर है। मारुति लक्ष्मण कमरेकर बोलकू। जो अभी इधर रिसेंट के लिए आता है लोग इधर 1500 अभी मिराशी साहब बोला इतना लोग महीने के लिए 8 दिन इधर रहता है। जो झाड़ बड़ा बड़ा पेड़ है ये बड़े झाड़ है इसकी शाखाएं जो ब्रांचेस बाहर निकले हैं वो कटिंग करना चाहिए। जो भी संबंध अधिकारी है उसको जल्द से जल्द कटिंग करके देना बोल के आपके माध्यम से उनको विनती करता हूँ। खतरा है ये खतरा है बहुत। जब अगर गिरेगा किसी को मार लगना पक्का है। मार लगना पक्का है। अगर ये एक टोंकी गिरेगा तो आदमी खलास भी हो जाएगा। अगर एक शाखा एक ब्रांच गिरे तो आदमी को जान का खतरा है। संबंधित अधिकारी कृपया ध्यान दे, आप लोग अगर ये नहीं कटवाए और कल कुछ अनाघात हुआ तो ध्यान रखिएगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इस ब्रांचेस को दांडेली में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसकी शाखाएं बाहर की तरफ आकर रोड पर गिरने की कगार पर है, ये घातक साबित हो सकता है। आपसे निवेदन है कृपया जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। इससे पहले कि सवाल जवाब व नामों का सिलसिला शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है मरियाना ट्रेंच।
कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं आकाश जितुरी, श्वेता चौधरी, विनीत हल्दनकर, शीला विनायक, शीतल महाले, सलीमा नवली, जितेंद्र सोनी, मुताहिर शेख, दीपक कंगलारकर, देवानंद सड़ेकर, श्रीधर नाड़गेर, जस्टिन डी कल्लू, खादर दुरानी, दत्ता प्रभु, काव्या बसवराज, शाहिल शेख, नितिन कुमार हलसगे, मुस्ताक अहमद खालसी, राजकुमार राजभर, ज्योत्सना डिसोजा, अभिषेक यादव, योगेश अनकन्ना, योगेश कदम, अंजुम कलंदार शेख और लतीफा शेख। आज का सवाल, दांडेली की जीवन रेखा कहे जाने वाली वेस्ट कोस्ट पेपर मिल का इनॉग्रेशन उद्घाटन किस महानुभाव के हस्ते हुआ था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर।